में बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो यह अहम जानकारी आ रही सामने। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक, आईटी को मिल सकता है इंडस्ट्री का दर्जा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आईटी को इंडस्ट्री का दर्जा मिल सकता है, फैसले से आईटी को मिलने वाली रियायतें भी बढ़ेंगी आईटी के लिए, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जहां आईटी को लेकर के इंडस्ट्री का दर्जा आईटी को मिल सकता है। फैसले से आईटी को काफी रियायतें मिलती नजर आएंगी, आईटी के लिए बिजली का टैरिफ भी काफी हो जाएगा। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक, फैसले से आईटी को मिलने वाली रियायतों में बढ़ोतरी होगी, टैरिफ भी कम होगा बिजली का। तो आईटी को मिल सकता है इंडस्ट्री का दर्जा आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निकिता सरीन फोन लाइन पर हमारे साथ। निकिता, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, एक जानकारी सामने आ रही है कि आईटी को आज इंडस्ट्री का दर्जा भी प्राप्त हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? सीमा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लगभग एक दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि निजी विश्वविद्यालय खोलने पर जो प्रोत्साहन राशि है ये मिलेगी, और इसके साथ ही उच्च शिक्षा नीति में भी जो संशोधन है, रेक्टिफिकेशन है, वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ केडी विश्वविद्यालय गाजियाबाद और साथ ही विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में मान्यता देने वाले जो देने का जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ कैबिनेट में आज रखा जाएगा। साथ ही लखनऊ स्थित केजीएमयू की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जिस तरीके से उसका विस्तारीकरण करने के पर्पस से और साथ ही उसके पास स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी जमीन लेने के संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है आज की कैबिनेट में। और इसके अलावा आईटी और उद्योग का दर्जा देने से संबंधित जितने भी प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है इन सभी प्रस्ताव को। साथ ही आईटी सेक्टर में उद्योग लगाने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। वर्ष 2017 की अगर मैं बात करूं तो उसमें तैयार की गई जितनी भी औद्योगिक निवेश नीति है उनको भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। साथ ही निवेशकों को प्रोत्साहन का जो रास्ता है वो दिखेगा, और साथ ही कई अन्य विभाग हैं, कई अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो भी आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक है जहां एक दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी मिल सकेगी। सीमा, चलिए आपका बहुत शुक्रिया निकिता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।